आज बताने वाला हूँ आर्गो 4000 के बारे में, यानी इसके कैलिब्रेशन अगर बिगड़ जाते हैं तो कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, इसके बारे में आज के वीडियो में पूरा फुल डिटेल बताने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। सबसे पहले अपना मीटर चालू कर लेना। चालू करने के बाद यहाँ पे ये बटन दबाना है आपको। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएंगे। उसके बाद जो बैकेट है इसे डाउन कर लेना। डाउन करने के बाद ये बटन दबाना, दो नंबर यहाँ पे देख सकते हो। इसे दाबने के बाद सिंपल इंटर प्रेस करना है। उसके बाद फुल एक्सेलेटर में आपको बैकेट जैसे गिराएंगे उसको उठाना है। आपको करके दिखाता हूँ मैं। गाइस ऐसे 8 से 10 बार करना है आपको। ऐसे ही करते रहना है आपको जब तक ये 8 से 10 बार नहीं होता है। तो हम लोग अभी कर रहे हैं वही चीज़, 8 से 10 बार इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इसे कंप्लीट होने के बाद सिंपल फिर से आ जाना है। उसके बाद 3 नंबर पे डाउन करना है। वहाँ पे 200 लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप 6 बैग डालते हो तो 300 लिखना है यहाँ पे। तो सिंपल एडिट पे क्लिक करके आप लिख लीजिएगा जितना आपको डालना है। तो सिंपल मैं 2-4 बैग करना चाहता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ 200 ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे 4 बैग इसमें फटाफट डलवा लेता हूँ आगे बैकेट में। तो गाइस सिंपल हम लोग 4 बैग डाल लिए हैं। आपको क्या करना है, जैसे मैं डाला हूँ वैसे ही डालना है। 2 इस पर 2 इस पर, यानी दोनों साइड डालना है 2-2 बैकेट। उसके बाद सिंपल उठाते जाना है जब तक ये बंद ना हो जाए। यहाँ पे शो कर रहे हैं ये, जब तक बंद ना हो जाए तब तक आपको उठाते रहना है। तो मैं भी इसे कर लेता हूँ पूरा कम्प्लीट। गाइस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद सिंपल मैं इसके एडिट क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे वेट उठाने की कोशिश किया तो यहाँ पे 4 बैग का 205 kg आ रहा है। अब देखते हैं 3 बैग का, तो यहाँ पे 1 बैग निकलवा लेते हैं। तो 3 बैग का उठा करके देख लेते हैं एक बार। गाइस यहाँ पे 3 बैग का देख सकते हो 160 kg दिखा रहे हैं, मतलब काफ़ी बढ़िया दिखा रहे हैं। अब फिर से डाउन करना है। फिर से डाउन करने के बाद फिर से मुझे 1 बैग खाली करना है। तो 1 बैग खाली करने के बाद आगे के प्रोसेस चालू करते हैं, जो कि सेंड नंबर 2 पे क्लिक करते हैं। उसके बाद 100 आना चाहिए, तो यहाँ पे कितना आ रहा है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 105 यानी 115 आ रहा है। गाइस ये भी ठीक है। अब फिर से 1 बैग हम लोग खाली कर लेते हैं इसमें से। गाइस अब इसमें 1 बैग बचा है। तो अब 1 बैग के लिए हम 20 mm पे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ भी उठा के देखते हैं 1 बैग का कितना आता है। तो गाइस यहाँ पे 1 बैग का 65 kg दिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छा। तो इसी तरह से कैलिब्रेशन हो जाता है।